यहां आपको अपडेट करेंगे। गवर्नर पंजाब ने सूबे में स्मोक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि स्मोक की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। अवाम को स्मोक के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए, पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। पंजाब हुकूमत हालात की संगीनी को समझे। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे मियाँ शुएब से। शुएब बताइएगा, मजीद क्या कहना था गवर्नर पंजाब का? गवर्नर पंजाब की जानब से स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। गवर्नर पंजाब ने यह कहा कि स्मोक की वजह से कारोबारी जिंदगी जो मफलूज होकर रह गया है, अवाम को स्मोक के रहम व करम पर ना छोड़ा जाए, बल्कि पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही जो अवाम की मुश्किलात को कम करे। सरदार सलीम हैदर का ये भी कहना था कि पंजाब हुकूमत हालात की संगीनी को समझते हुए इस पर फौरी जो है इकदाम करे और इस पर जो स्मोक के हवाले से फौरी तौर पर जो एमरजेंसी है वो नाफज की जाए। अवामी मसाइल और स्मोक जैसी सूरतों पर जो अमली इकदाम है इसकी अशद जरूरत है। और गवर्नर पंजाब की जानब से ये भी कहा गया कि हुकूमत पंजाब के जो अफसरान है और इंतजामी इदारे हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद है, हालांकि जो फील्ड में कहीं दिखाई नहीं दे रहे जो स्मोक के हवाले से जो इकदाम करें और अवाम की जो मुश्किल है उसको कम करें। जी बहुत शुक्रिया मियां शुएब।